Hello students, so today we are going to discuss about this chapter Journey to the End of the Earth written by Tishari Doshi. तो सबसे पहले इसके difficult words discuss कर लेते हैं. The academic scholars की सबसे ज़्यादा use हुआ है एक ये Russian जहाज है जो कि Geoff Green के द्वारा ले जाया जाता है. एक program उसने चलाया था Students on Ice जिसमें वो celebrities को ना ले जा करके students जो कि फ्यूचर में प्लान करेंगे इस अर्थ को लेकर के और दे कैन बी मोर अवेयर एंड कैन टेक दी द कैन टेक मोर डिसीजन कैन टेक द डिसीजन अबाउट द अबाउट टू सेव द अर्थ. ठीक है, तो नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फना. फ्लोरा एंड फना इज रिलेटेड टू द एनिमल एंड प्लांट्स किंगडम. ठीक है, एंड माइंड बॉगलिंग. माइंड बॉगलिंग मीन्स किसी चीज़ को लेकर के आश्चर्यचकित हो जाना, फर्स्टेंट हो जाना. रिप्रिक्यूशंस से मतलब है दुष्प्रभाव किसी भी चीज़ के जो बैड इम्पैक्ट्स पड़ेंगे. नेक्स्ट वर्ड है फाइटोक्लेप्टन. फाइटोक्लेप्टन समुद्री पौधों को समुद्री जो घास फूस जो समुद्र के नीचे होती है उसके लिए यूज किया जाता है फाइटोक्लेप्टन. मैमंस विशालकाय जीवों के लिए यूज किया जाता है. क्रैब ईटर जो केकड़े खाने वाले जो जीव है उन्हें क्रैब ईटर बोलते हैं. एवलेंस का मतलब होता है कि किसी भी पर्वत से या पहाड़ से किसी का हिम का बर्फ का टूट के गिरना या चट्टान का टूट के गिरना मिट्टी वगैरह का. एवलेंस प्रग्नोसिस मीन्स होता है भविष्यवाणी करना किसी चीज़ के बारे में. आप जो है भविष्यवाणी करते हैं उसके. नेक्स्ट वर्ड है अलामिगेटेड. अलामिगेटेड मीन्स एकीकरण किसी चीज़ को एकत्रित कर देना. अब इसकी ब्रीफ समरी के बारे में बात कर लेते हैं. बहुत ही सिंपल चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. यहाँ पे राइटर तिशारी दोषी बताना चाहती है एक्चुअली इट्स अ रियल लाइफ नरेटिव. ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई फिक्शन नहीं है. इसमें राइटर तिशारी दोषी बता रही है कि किस तरीके से जो है वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अर्थ. इसके दो मीनिंग निकलते हैं. एक तो ये जो है ना धरती का अंत होने वाला है द एंड ऑफ द अर्थ. और एक मीनिंग ये भी निकलता है कि दे आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अर्थ जहाँ पे धरती का अंतिम जो छोर है वहाँ पे जा रहे हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट मीनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अर्थ तिशारी दोषी जो कि अपने 52 स्टूडेंट्स के साथ गई है इस शिप में कैंपिक सोलिस की में जो कि Geoff Green के द्वारा एक प्रोग्राम उसने चलाया था स्टूडेंट्स ऑन आइस जिससे कि स्टूडेंट्स को अवेयर कराया जा सके. वो किसी सेलिब्रिटीज़ वगैरह को ले जाने की बजाय स्टूडेंट्स को उसने प्रेफर किया ले जाने के लिए बिकॉज दे आर गोइंग टू मेक फ्यूचर प्लान. फ्यूचर में जो प्लान बनाने वाले हैं और इस अर्थ की सेव करने के लिए कुछ कर सकते हैं. यहाँ पे टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ द एंड में राइटर ने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से डिप्लेशन होता चला जा रहा है हर चीज़ का. ह्यूमन बीइंग जिसे अभी आए हुए लगभग 12,000 मिलियन ईयर्स ही हुए हैं और इससे पहले जो 500 मिलियन ईयर्स पहले जब गोल्ड मारा एग्जिस्ट करता था और जो है भारत इंडिया जो है अंटार्कटिक ओशन से मिला हुआ था और जब एक डायनासोर्स भी आए इस धरती पे और वो इंस्टिंक्ट हो गए फिर उसके बाद स्तनपाई जीवों की एज आई फिर उसके बाद जो है ह्यूमन इंस्टिंक्ट आए और इंसानों ने बहुत ही कम समय में धरती को डिप्लीट कर दिया है काफ़ी अपनी जो उसकी फॉसिल फ्यूल्स का जो उसने यूसेज किया है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन चुकी है जिससे हमारी ओजोन लेयर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. राइटर ने बताने की कोशिश की है कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है. फॉर एग्जाम्पल के लिए वो एग्जाम्पल देती है फाइटोक्लेप्टन का जो कि समुद्री पौधे है. अब जो है समुद्री पौधे जब हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे डेवलपमेंट वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज करेंगे सारी चीज़ों का इन दैट इम्पैक्ट क्या होगा कि हर चीज़ पे ऊपर जो बैड इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट कर रहा है. हर छोटी से छोटी चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 9th और 10th में भी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेसिंग होती है जैसे जिसमें पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं. इसी अब ऐसा नहीं है कि केवल जो हम ऑक्सीजन गेन करते हैं सिर्फ पौधों से जो हमारी पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं इन्हीं से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है. इसमें बहुत बड़ा रोल होता है. लगभग 60-70% जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है वो किया जाता है फाइटोक्लेप्टन्स के द्वारा जो समुद्र में जो समुद्र में जो पेड़ पौधे हैं या समुद्र की जो घास है वो
एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अगर इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, हमारी जो धरती के जो डेवलपमेंटल वर्क के लिए हम इनका अंधाधुंध यूज़ किए जा रहे हैं, और ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर वो अपना अधिकरण करना चाहते हैं, पा लेना चाहते हैं। तो इन दैट केस क्या हो रहा है ना, धरती डिप्लेट होती जा रही है, हर चीज़ के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो बैड इम्पैक्ट डाल रही है वो दूसरे पर बैड इम्पैक्ट डालती है। इस तरीके से हर पूरा इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है, और अगर हम एक लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल करना चाहते हैं तो वी मस्ट यूज़ दीज लिमिटेड रिसोर्सेज विद अ लिमिट, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। अगर इसी तरीके से हम अंधाधुंध यूज करते चले गए तो उसका क्या होगा कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अब समुद्र के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, समुद्र के ऊपर बैड इम्पैक्ट करेगा तो मरीन लाइफ के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, और मरीन लाइफ के ऊपर बैड इम्पैक्ट करेगा जो समुद्र के किनारे जो देश बसे हुए हैं, दे विल स्टार्ट डिप्लेटिंग, उनको डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन दिस वे हमारा खुद का अस्तित्व ही, एक ह्यूमन काइंड का जो अस्तित्व है वो ही खतरे के कगार पर पहुंच जाएगा। तो टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ द एंड राइटर ने इन्हीं दो मेन पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट और फोकस करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स जिन्हें अभी आए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, we are going towards the end of the earth, हम इस धरती का एंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तिशानी दोषी ने जो एक रियल लाइफ नरेटिव एक्सपीरियंस उसने इसमें डाला है कि किस प्रकार से वो जो है बर्फ के ऊपर चलते हैं और फील करते हैं कि यहाँ पर चारों ओर सराउंडिंग में एक शांति छाई हुई है, और किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के डिप्लेशन का प्रभाव उस अंटार्कटिक ओशन के ऊपर भी पड़ रहा है। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में शी मेक्स अस अवेयर एंड शी वॉन्ट्स टू अवेयर टू ऑल द ह्यूमन बींग्स दैट की हमें अपनी धरती को सेव करने के लिए इन लिमिटेड रिसोर्सेज का लिमिटेड तरीके से यूज़ करना है। और ये बातें सिर्फ किसी बुक में पढ़ के या नहीं समझी जा सकती, जब हम उसका एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। दैट्स ऑल।